74वें गणतंत्र दिवस This is one of the most obvious occasion for us. Every year, 26 January, we celebrate this event since 1950. It's one of the happiest occasion for us because we know today what is important. All must be doing. Because today our constitution came into exist. All the citizens of India have got the rights. Those who are living inside our country. Today is the day. It is the 900 days in the history of India. And all of you are knowing that. Remember the national heroes, those who worked for getting freedom for the country, who won the freedom for the day. We have to remember. We have to both countries same day for the independence. They are far behind us compared to India. We have achieved a lot economically. Scientifically, from 1947 onwards till now, we have great leaders. They worked for the progress of our country. Apart from this all, this all protect our constitution. So this is a day. Let's celebrate this. The school, as a tradition, our principal mom is going to hoist the national flag. The campus of the Indian school. The happiest moment. Get ready. Our principal mom is going to host the national flag. The campus of the Indian school gives one of the happiest moment for all of us. This is the beginning of the.
सीनियर बच्चे जो आउटगोइंग स्टूडेंट्स हैं काफ़ी उत्साह के साथ ये 74वें गणतंत्र दिवस पर इन लोगों ने आज विद्यालय में उपस्थित होकर और खुशी के साथ इसको एंजॉय कर रहे हैं। चुके हैं हमारे रिटायर्ड मेजर लेफ्टिनेंट श्री सुखू राम जी, आदरणीय प्रिंसिपल मैम, मैनेजर मैम और रिटायर्ड मेजर। ये देखिए इतने सारे मेडल्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। परेड के लिए ये बच्चे तैयार हैं। We are gathered here to celebrate 74th Republic Day. As we all know that the constitutions come again into effect and the monarch satisfy those who was fought from freedom. The constitutions of India, which was adopted on 1950, 26 January 1950, is a document lays down the fundamental principles and on our nation. It rights and duties of every citizens. It responsibility to every citizen to save our nation. तो बच्चों आप तैयार हैं? एक बार पूरे विद्यालय परिवार के लिए जोरदार तालियां बजाइए। हम तो बैठे। ये हमारे पुराने छात्र लोग हैं, फहीम धनंजय
आपको तो नहीं पहचान रहे संसार की छत पर कितना तन्हा होगा चांद रे, हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चांद, जिन आँखों में काजल बन कर तेरी काली रात, जिन आँखों में काजल बन कर तेरी काली रात, उन आँखों में आंसू का एक, उन आँखों में आंसू का एक कतरा तो है परदेश में, देश में निकला होगा चांद, चांद बिना हर दिन यूं बीता जैसे युग बीते, मेरे बिना किस हाल में होगा, मेरे बिना किस हाल में होगा, कैसा होगा चांद रे, हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चांद, रात ने ऐसा पेच लगाया टूटी हाथ से डोर, रात ने ऐसा पेच लगाया टूटी हाथ से डोर, अटका होगा चांद रे, हम तो हैं परदेश में, देश में बारो छोड़ो करो या मोरो, बारो छोड़ो करो या मोरो, आंख के बदले में आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी, कान का दुर्योगपन मन का दृष्ट और अंधापन करता है, जय हिंद जय भारत। मैं भगत सिंह, सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, इनकलाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन है। ये वीरांगना लक्ष्मी बाई हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम एंड माय डियर टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट, मुझे बहुत खुशी हो रही है आज मुझे किरण बेदी का रोल करने को मौका मिला है।
मैं बहुत खुश हूँ। किरण बेदी फर्स्ट IPS ऑफिसर थी, जो कि आप लोगों को शायद पता हो। चमक उठी सन 57 की, वह तलवार पुरानी थी, बुंदे ले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम तो तेरे आशिक हैं, सदियों पुराने, हम तो तेरे आशिक हैं, सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने, हम भी जमाने से हैं तेरे दीवाने। अरे माने से हैं तेरे दीवाने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। आई है यूं प्यार से जवानियां, और माँ दिल में है, दिल मुश्किल में है, जाने तमन्ना तेरे किस प्यार की कहानियां, और माँ दिल में है, दिल मुश्किल में है, जाने तमन्ना छेड़ते हैं सब मुझको अपने बेगाने, छेड़ते हैं सब मुझको अपने बेगाने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। गोरी मोहब्बत में कभी हाथ से दामन छूटे तो दो दिल रूठे तो फिर क्या हो, ऐसा ना हो काश कभी प्यार में वादे झूठे तो दो दिल रोते तो फिर क्या हो। हम तो चले आए सनम तुझको मनाने, हम तो चले आए सनम तुझको मनाने, चाहे तो माने चाहे ना माने, चाहे तो माने चाहे ना माने। हंसुराम हो चुका है अपने विद्यालय के वरिष्ठ और हम सबके मैं तो सर को मैं माइक पर आमंत्रित करता हूँ, आए और दो रिपब्लिक डे के बारे में खत्म हो गया सर, हम लोग बीच में तालियों से स्वागत करिए, प्लीज गिव अ गुड क्लैप फॉर सर। न्यूली अपॉइंटेड विधायक बेल्ट्रा रोड हंसुराम यादव जी हमारे बीच में आ चुका है। हंसुराम सो प्लीज वेलकम, गिव अ गुड क्लैप, इसे हैप्पी मोमेंट फॉर अस, बड़ी खुशी का बात है। ऐसा है कि जाओ मिलो और जिनका आफ्टर अ लॉन्ग टाइम व्यूअर्स प्लीज कम फॉरवर्ड। देखिए इट्स अ हम लोग का ट्रेडिशन है, इट्स अवर ट्रेडिशन टू गार्लैंड पिक्चर ऑफ सरस्वती, तालियां बजाइए, तालियों से स्वागत करिए, तालियों का कमी नहीं होना चाहिए, प्लीज चलाएं, प्लीज गिव अ गुड क्लैप फॉर सर। प्लीज सर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बंगाल रोड विधायक मिस्टर हंसुराम सर, हम लोग बीच में अभी प्रसन्न है, ही हैज जॉइंड विद अस सो मेनी। Thank you.
इस नवजीवन इंग्लिश स्कूल के प्रबंधक मिनी मैथ्यू जी, प्रिंसिपल मिस ग्रेसी जॉन जी, यहाँ पर उपस्थित सभी टीचर बंधुओं, साथ ही मेरे साथ आए हुए सभी सहयोगी गण, मैं थोड़ा प्रोग्राम में बहुत लेट हो गया, मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पूरे हर्षोल्लास के वातावरण में गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और उससे दूरी बनाते जा रहे हैं। दूसरे देशों में हमारे कितने अमीर लोग विदेश की यात्रा किए, विदेश गए, कितने लौटे, कितने नहीं लौटे, यह आंकड़ा हमारा देश या हमारे हर जगह हमारे दूतावास रखते हैं। लेकिन एक गरीब रोजी रोटी कमाने के लिए कितना घर छोड़कर बाहर गया, उसका आंकड़ा हमारे पास नहीं। कौन आया कौन नहीं आया, इससे कोई मतलब नहीं। तो इन सब बातों की ओर हमें विचार करना बहुत। देश में इतिहास बनाने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने भारत के इतिहास में इतिहास लिखने का काम किया, याद ही का वो दिन है कि 1949 में जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखकर और 1950 में जब लागू हुआ तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को उन्होंने सौंप दिया और कहा कि आज से भारत का दिशा और दशा दोनों इसी प्रकार से चलेंगे। और वो बेटा, उस समाज का बेटा जो लोकप्रिय विधायक है, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सीनियर में इस नवजीवन कॉलेज को, जो हमारे प्रबंधक अभी उन्होंने चर्चा किया टेलीफोन पे हमारे नेता से, रात को बात किया और नेता का दिल इतना बड़ा है कि आमंत्रण है ताले से स्वागत करें। तालियां बजाते हैं। खुशियां और आनंद और उल्लास चलक रही है और सुबह 8:30 बजे से अभी तक अपना इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए सभी बच्चे बड़ा इच्छुक होकर मना रहे थे और बहुत रंगारंग कार्यक्रम हुआ। और इसके बच्चे को मैं इस समय धन्यवाद भी दूंगी और हमारा इंडिपेंडेंस डे में